एवरी वन वेरी वन वेलकम टू यूट्यूब लुक पर वर्तिका आज आई एम वेरी हैप्पी मैंने जब ये टेन डेज एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट चैलेंज स्टार्ट किया ना इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये था स्टार्ट करने का कि घर में बहुत ही क्लोज दोस्त की शादी के सारे फंक्शंस थे लाइक पाँच छः फंक्शंस तो मुझे कोई भी कपड़ा अपना वाला ना पूरा नहीं आ रहा था सब कुछ टाइट आ रहा था तो मुझे था कि खुलवाने ही पड़ेंगे बड़ा एक थॉट कि पहले एक बार ना डाइट ट्राई कर लेते हैं एंड जिस दिन फंक्शन स्टार्ट हुआ मैंने अपने कपड़े वापस से पहन करके देखे और मुझे पूरे आ गए मुझे कपड़े खुलवाने नहीं पड़े तो ये मेरे लिए बहुत सही वाली बढ़िया वाली चीज़ हुई सात ही दिन में सेवन डेज में यहाँ पर मेरे टू पॉइंट फाइव के जीज़ कम हो गए हैं ढाई किलो सात दिन में घटा लिया है मैंने और या फिर ये कह लो कि फाइव पाउंड लूज करें मैंने इन जस्ट सेवन डेज सो दिस इज एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट यहां पे बहुत क्रेजी तरीके से मैं प्रोटीन फैट काब्स उसका नहीं ध्यान रखने वाली हूं आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल थोड़ी कम कैलोरीज खाएंगे थोड़ा कम खाएंगे पोर्शन कंट्रोल करेंगे थोड़ा वर्कआउट करेंगे धीरे धीरे अपने आप से वेट कम हो जाएगा और डेफिनेटली कम कैलोरीज हैं तो थोड़ा प्रोटीन भी कम ही जा पाएगा किसी ने कमेंट करा था कि आप न्यूट्रिशनिस्ट हो लेकिन लगता नहीं है बिकॉज आपने प्रोटीन तो खाया नहीं है ऐसा नहीं है ना कि मैंने जो न्यूट्रिशन पढ़ा उसमें प्रोटीन का कोई बहुत इंपॉर्टेंस है कभी बढ़ाई करके देखो अलग अलग तरीके की वो होते हैं अलग अलग तरीके के बुक्स होते हैं अलग अलग तरीके के थ्योरीज होते हैं तो हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा है तो उसमें इट्स नेवर अबाउट प्रोटीन रुझौत दिविका मैम का भी मैं देख तो इट्स नेवर अबाउट प्रोटीन कुछ है ही नहीं है खाने को खाने को की तरह से लो ना क्या प्रोटीन का जो अच्छा लगता है तमीज़ से वेजिटेबल्स खाओ फ्रूट्स खाओ नॉनवेज भी खाते हो तो थोड़ा बहुत नॉनवेज भी खा लो अंडे खा लो पनीर खाओ रोटी सब्जी खाओ घर के बने सारे नाश्ते का कोई आइटम खाओ बस लिमिटेड क्वांटिटी में खाना खाना है और थोड़ा सा अपने शरीर को चलाना है तो आप बहुत ही जल्दी वज़न घटा सकते हैं बहुत ईजी हो जाता है और ये भी है कि मेरा ना अभी रिसेंटली ही ये वेट बढ़ा था कहीं ना कहीं कही पीरियड्स की डिले करने की टेबलेट की वजह से भी मेरा बढ़ गया था प्लस बहुत ज़्यादा पार्टीज़ एंड फंक्शंस होते हैं हमारे यहाँ उसकी वजह से भी श्योरली बढ़ा था तो अब उस चीज़ को मैंने डिस्पाइट बींग लाइक वर सो मैनी पार्टीज स्टिल गोइंग ऑन मैंने ये वेट कम करा है हाँ अभी ये जो टेंथ डे तक मेरी डाइट जाएगी ना थोड़ा सा इसमें भी एक दो दिन का ही होगा कि बीच में गायब रहेंगे और उसके बाद वापस डाइट कंटिन्यू रहेगी बिकॉज़ फंक्शन है तो उसके टाइम पर मैं ना इतना ज़्यादा वेट को कंट्रोल कर सकती हूँ ना ही उतने अच्छे से डाइट फॉलो कर सकती हूँ कि मैं प्रॉपर वाला वो टेन डेज एक्सट्रीम वेट लॉस चैलेंज वाले वीडियोज आपके लिए लेके आ पाऊँ बट हाँ मैं शादियों के टाइम में भी फंक्शन के टाइम में भी आई एम टेकिंग सो मच केयर मैं नहीं कर रही हूँ ओवर ईटिंग मैं नहीं खा रही हूँ थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा जितना ज़रूरत है जितना मेरे को लगता है मेरे डाइट के साथ में मेनटेन रखेगा उतना ही मैं खा रही हूँ ताकि आगे के लिए भी मेरा वेट कम रहे बढ़ ना जाए फंक्शंस की वजह से अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता तो वापस से मतलब एकदम से कम हो जाए तो ज़्यादा बढ़े ही ना तो अभी 2.5 पॉइंट फाइव के जी सेवन डेज में कम हो गया है तो देख लीजिए सेवन डे पे मैंने क्या डाइट करा है और मेरी कोई रिस्ट्रिक्टेड वाली ऐसी डाइट नहीं है हाँ मैं सैलड्स खा रही हूँ लेकिन एट द सेम टाइम में कुछ ना कुछ स्वीट ग्रेविंग होती है तो थोड़ा सा स्वीट भी खा लेती हूँ मैं मर मर के नहीं कर रही हूँ डाइट मैं मज़े से कर रही हूँ एक दो सिर्फ कभी मेरा बहुत मन कर जाए कुछ कोल्ड ड्रिंक पीनी है या एक दो बाइट की कि किसी चीज़ की चीटिंग करनी है तो आई डू दैट एज़ वेल एंड ओवरऑल स्टिल आई एम एबल टू लूज वेट दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी आई एम हैप्पी इस चीज़ के लिए टच होट आगे भी और वेट कम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया टेन डेज़ में आए तो वॉन्ट यार तीन एक किलो कम हो जाए और उसके बाद फिर आगे और अच्छे से टाइट करूँगी तो धीरे धीरे वापस से मैं अपने पहले वाले जोन में आऊँ अब मेरा बहुत मन है अच्छे से वेट कम करने का तो आई होप आपको मेरी ये वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही हैं तो लग रही हैं तो लाइक ज़रूर करना शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब कर लेना लोग वर्तिका को सारे और वीडियोस के लिए और अभी मैं जस्ट शुरू करने वाली हूँ यही वाला वीडियो आज का कि डाइट का क्या रहा है अब वाले दिन में तो वो भी देखना सो डे सेवन ऑफ टेन डेज एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट चैलेंज अभी आ रहा है वेट सिक्सटी सिक्स पॉइंट एट के जी जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना दिन सो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पानी पीने के बाद ऑफकोर्स मैं खा रही हूँ बॉम्बे सैंडविच जिसके अंदर मैंने खीरा प्याज टमाटर उबला हुआ आलू हरी चटनी हल्का सा बटर ज़रा सा चीज़ प्रॉपर पूरा चीज स्लाइस नहीं लगाया और ऊपर नन्हे से सेव डाल लिए और टमाटो के लगाया जो ये हल्की सी अनहेल्दी चीज़ होगी बट ओवरऑल स्टिल इट्स फाइन यार और ब्राउन ब्रेड के बनाए और वो खाया देन मैंने दो घंटे के बाद पी है छाछ गाय के दूध की एंड इसके बाद में कुछ देर के बाद में मैं कुछ वॉकिंग वर्कआउट्स कर रही हूँ अलग अलग लाइक थर्टी टू फोर्टी मिनट्स के लिए मैं अपना एरोबिक्स वाला वर्कआउट कर रही हूँ ताकि अच्छे से मेरी कैलोरीज बर्न हो जाए और फिर इसके बाद लंच ही हो जाएगा मेरा लाइक like, इसके बाद मैं नहा नहाँगी और फिर लंच कर लूँगी अपना यही मेरा पोस्ट वर्कआउट हो गया है तो जिसमें मैं खा रही हूँ रोटी पत्ता गोभी मटर की सब्जी साथ में ज़रा सा गाजर गोभी शलगम का जो सीजनल वेजिटेबल्स वाला अचार रहता है वो खा रही हूँ देन इसके दो घंटे के बाद में लगभग तो मैं पी रही हूँ नारियल पानी टू स्टे हाइड्रेटेड एंड इसके अगेन अब दो घंटे के बाद में आ, इवनिंग स्नैक का जब टाइम होता है तो भूख लग रही है तो मैं खा रही हूँ पपीता फ्रेशली कट लोकल सीजनल फ्रूट ऐसा आप कोई भी खा सकते हैं पपीता लो कैलरी भी रहता है जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है ऐसे ही स्ट्रॉबेरीज काफ़ी लो कैलरीज होते हैं तो मैंने फिर थोड़ी देर में साथ ही में स्ट्रॉबेरीज भी खा ली हैं बिकीज अभी सीजन में है अफोर्डेबल भी बहुत पड़ रही है इस टाइम पर प्लस एंटी बहुत होते हैं काफ़ी और न्यूट्रिएंट्स मुझे मिल गए हैं मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाना बनाया है तो मैंने बस तो जरा सा सैल वन फोर्थ क्लास बनाना शीख बस ऐसे ही ऐसी है क्योंकि मैं आज सच कोई अलग से डिनर नहीं करने वाली ना बहुत तो मैंने बस छोटू मोटू कुछ ना कुछ ऐसे ले लिया ताकि पेट भरा रहा है मैं डिनर में खा रही हूँ सैलड ठीक है सैलड में तो वेजिटेबल्स ही ऑलमोस्ट वेरी लो कैलोरी यही जो सैलड का मैंने रेसिपी uh, बताया है जिससे आप uh, दस दिन में बहुत ज़्यादा वेट कम कर सकते हैं वही सैलड है और मैं मतलब मिक्स करना प्रेफर नहीं करती बीच में अंडा तो मैंने दो तीन चम्मच साइड में अंडा खा लिया लेकिन एक अंडा मैंने खा लिया होगा अब पूरे दिन इतना बढ़िया हेल्दी सब कुछ रहा है दो तीन पीस मैं गाजर के मुरबे के खा रही हूँ घर का बनाया गैन कोई अनहेल्दी इतनी स्वीट डिश एज सच वो नहीं है uh, मेरी नानी की रेसिपी है वो भी है मेरे चैनल पे उस पर सेवेंटी फाइव थाउजेंड व्यूज़ आए इट्स लाइक अमेजिंग और आप देख सकते हैं मैंने ओवरऑल कैलोरीज ठीक खाई है बारह सौ के आसपास कुछ खाई है और अच्छे से सब जो मेरा जी में आया वो मैंने खाया भी है एंड वेट भी कम हुआ है मेरा uh, कल से बात करेंगे तो ठीक है कोई नहीं ज्यादा कुछ वो नहीं है बट ओवरऑल इन सात दिनों में, में मेरा ढाई किलो टू पॉइंट फाइव के जीज वेट कम हो गया विच इज़ अमेजिंग सो गाइज नाउ बिकॉज आई एम होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट बाय प्रोफेशन एज वेल तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए कस्टमाइज टेन डेज एक्सट्रीम वेट लॉस डाइट प्लान रेडी करूँ तो मुझे ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इट तो वुड बी फॉर रुपीज़ सेवन नाइन नाइन तो ये मत सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं कुछ है ऐसा नहीं है कि मैं आपको यूँ कोई बना बनाया अपना डाइट चार्ट like एक उठा के दे रही हूँ इट्स नॉट लाइक दैट मैं आपसे आधा एक घंटा पहले फ़ोन पे बात करूँगी वन ऑन वन वील बी ऑन कॉल अच्छे से आपकी नीड्स को रिक्वायरमेंट्स को समझूंगी आप क्या खाते हैं कैसे आपका क्या चलता है एंड अकॉर्डिंगली आपके लिए टेन डेज डाइट प्लान रेडी करूंगी जो कि आप आगे भी थोड़ा फॉलो कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सेवन नाइन्टी नाइन आपका एक बार के टेन डेज़ के लिए आप डेफ़िनेटली उस डाइट को री कर पाएंगे और, और भी ज़्यादा उससे वेट कम कर पाएंगे और आप चाहें तो फोटीन डेज प्लान वन मंथ प्लान थ्री मंथ्स प्लान कोई भी मुझसे कस्टमाइज़ करवा सकते, सकते हैं अपने लिए बनवा सकते हैं इफ़ यू लव फूड आपको मज़ा आता है खाना खाने में और आप खाना नहीं छोड़ सकते देन डेफिनेटली आप मुझसे अपना डाइट कंसल्टेशन ले सकते हैं बिकॉज मैं खाना खाते हुए वेट कम करती हूँ और वैसे ही कराना पसंद करती हूँ सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग वेट 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 यहाँ पर ना मामा अर्थ की नई लिपस्टिक्स आई हैं मेरे पास मैंने आज ही ट्राई करी है मामाअर्थ सॉफ्ट मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक तो उस पर अलग से पूरा वीडियो है डू चेकआउट ब्यूटिफुल शेड्स लाइक ब्यूटिफुल शेड्स अफोर्डेबल भी बहुत है एम आर पी थ्री नाइनटी नाइन है और मेरा कूपन कोड है वर्तिका ट्वेंटी ट्वेंटी फोर उससे ट्वेंटी परसेंट ऑफ भी मिल जाता है तो काफ़ी सस्ती पड़ जाएंगी यार मामाअर्थ की वेबसाइट पर तो ना मैं डिटेल्स दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया है कलर्स आर अमेजिंग वेरी ट्रेंडिंग वेरी ब्यूटिफुल न्यूड कलर्स फॉर इंडियन स्किन टोन्स